हेलो दोस्तों, आज है सैटरडे और मेरे क्यू एन ए सीरीज का सातवां एपिसोड लाइव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर अब कोई बात नहीं, ये वीडियो अपलोड हो चुका है और आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो आपने क्यू एन ए सिक्स में पूछे थे उन सबके सही सही बखूबी आंसर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन वो अगले क्यू एन ए मतलब की क्यू एन ए एट में शामिल हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में अपना क्वेश्चन जरूर से मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन किसी भी फील्ड से हो सकता है, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे इंटरनेट, यूट्यूब, मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा उन सब के सेटिस्फैक्टरी और बिल्कुल सटीक आंसर देने के लिए। तो चलिए बिना कोई और समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की छड़ी को पेश किया जाए। तो दोस्तों, क्यू एन ए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए, आप नीचे देखेंगे तो मेरे जो चैनल का लोगो है वो मैंने बदल दिया है। पहले ऐसे एक फिस्ट था जिसपे तिरंगा बना हुआ था और अब है मेरा एक वेक्टर इमेज। तो आप यहाँ पोल आएगी, एक आई बटन का कार्ड आएगा, आई लिखा होगा, जिसपे आप उस पर क्लिक करेंगे तो येस और नो आएगा। तो आप उस पर लिख के बताइए कि क्या ये वाली नई वाली इमेज आपको अच्छी लगी या फिर वो पुरानी वाली ठीक थी। तो आप मुझे जरूर से बताइए, इससे मुझे बहुत फायदा होगा। प्लीज 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 इस पे क्लिक करके बता दीजिए कि ये वाली अच्छी है या फिर पहले वाली अच्छी है, जरूर से बताइएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है अभिषेक औरैया ने, जियो का रिचार्ज किस ऐप से करूं जिसमें ज्यादा कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों, आप माई जियो ऐप से रिचार्ज करिए और आपको ज्यादा या कम कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो आप माई जियो ऐप से रिचार्ज करिए और दोस्तों, हो सकता है एक दिन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, आज 7 तारीख है, हो सकता है आज रात या कल तक ये जो माई जियो ऐप से रिचार्ज है 303.99 रुपए का, ये आप कराएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ये केवल केवल 1 महीने के लिए चलेगा। और अगर अभी करा लें आप, जैसे ये वीडियो चल रही है तभी करा लें, तो आप इसका 3 महीने तक अनलिमिटेड इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं समर सर प्राइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्रिएटिव पंच ने पूछा है, हमारे पास 2 एंड्रॉइड मोबाइल है तो क्या हम वाईफाई से एक रूम से दूसरे रूम तक कम दूरी पर कॉल कर सकते हैं, इसकी कोई ऐप है। तो मैं आपको बता दूं क्रिएटिव पंजी, इसका कोई ऐप नहीं है। आपके जो मोबाइल होता है उसमें वाईफाई सपोर्ट होना चाहिए, वाईफाई कॉल सपोर्ट होना चाहिए। जैसे फ्लैगशिप फोन्स में हर एक फोन में वाईफाई कॉल सपोर्ट मिल जाता है, कुछ कुछ बड़े जो रिलेटेड फोन में भी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। पर हाँ, ब्लूटूथ से कॉलिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ से आप मैसेजेस कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कॉलिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विकास कुशम ने पूछा है, भाई आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना। और रजोल गुप्ता ने भी पूछा है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, जवाब देना। तो मैं आप दोस्तों बता दूं कि अभी 17 तारीख को 17 अप्रैल को जब मेरा एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, अभी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहा है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं आई थिंक सो, तो 17 तारीख तक पेशेंस रख लीजिए और फिर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा और मैं लाइव ये Q&A चालू करूंगा जिसमें आप मुझे कॉल करके अपने सारे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निकल विवेक ने पूछा है, ब्रो वीडियो किस सॉफ्टवेयर से एडिट करते हो। तो मैं फिल्मोरा का इस्तेमाल करता हूँ, फिल्मोला जो पीसी के लिए होता है। तो फिल्मोरा मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, सिंपल इंटरफेस है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किशोर कुमार ने पूछा है, भाई 6000 तक का सबसे अच्छा फोन कौन सा है। तो मैंने खुद लिया है 6000 का, जो सबसे अच्छा फोन है वो है Redmi 4A, Xiaomi की तरफ से Redmi 4A। अभी 23 तारीख को ही लॉन्च हुआ था, 23 मार्च को, और अभी अगले 13 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल को उसका फिर से सेल है अमेजन पे, 12 बजे सेल चालू होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि वो फोन ले लें और 6000 के अंदर वही बेस्ट फोन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो रुहान समी ने पूछा है, हाउ कैन आई रिकॉर्ड स्क्रीन एट लैपटॉप। तो आप चाहे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करिए, चाहे डेस्कटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एक्टिव प्रेजेंटर। मैं खुद उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब से मैं ट्यूटोरियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस बना रहा हूँ तब से मैं एक्टिव प्रेजेंटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। और हाँ दोस्तों, जब भी मैं ये कहता हूँ कि उसकी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको वो वीडियो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो सकता है, ना हो तो आप क्या करा करिए, यूट्यूब पे सर्च कर दिया करिए हिंदुस्तानी हेल्पर और फिर उस वीडियो के टॉपिक का नाम, जैसे मैंने भी बोला एक्टिव प्रेजेंटर, तो आप सर्च कर दिया करिए हिंदुस्तानी हेल्पर एक्टिव प्रेजेंटर और फिर वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। और जैसे कभी कभी फोन रूट के ऊपर आ जाता है तो मैं कहता हूं कि मैंने उस वीडियो को बनाया है, तो आप सर्च करिए हिंदुस्तानी हेल्पर फोन रूट। अभी मैंने समर सरप्राइज के ऑफर बारे में बताया था, तो आप सर्च कर दीजिए हिंदुस्तानी हेल्पर समर सरप्राइज, तो ऐसे ही बहुत ही आसान होता है, फिर आप मेरी वीडियो आसानी से पा जाएंगे। और अगर आपको कुछ और सॉफ्टवेयर चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो कैमटेसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफी छोटा सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं लोकेशन की ओर। तो एडीपी दुनिया ने पूछा है, भाई साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हो। तो ये जो मेरा लैपटॉप है, मैं कभी इससे साउंड रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी मैं अपने डायरेक्ट स्मार्टफोन से ही साउंड रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और कभी सैमसंग के ईयरफोन से इस्तेमाल करता हूँ साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मदन कच्चाप ने पूछा है,
भाई आप जो टी शर्ट पहनते हो उसमें हिंदुस्तानी हेल्पर लोगो है तो कहाँ से मंगाए? तो ये मेरा शर्ट है, मेरे पास एक दो और है तो उसमें हिंदुस्तानी हेल्पर का लोगो बना है, तो मैंने विस्टा प्रिंट से मंगाया है, आप भी जाके वहां से मंगा सकते हैं। विस्टा प्रिंट, VISTAPRINT। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अभिषेक और अय्या ने दोबारा से पूछा है, जियो फाई में आइडिया का सिम चल सकता है? तो अभिषेक जी, उसका नाम जियो फाई है ना कि आइडिया फाई, उसमें केवल केवल जियो का सिम इस्तेमाल कर पाएंगे आप, उसमें आइडिया का सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई और सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक्सपेंसिव लिस्ट ने पूछा है, भाई मुझे ऐसा ऐप बताओ जिसमें लाइफ हैक्स, न्यूज, टॉप थिंग्स मिल जाए। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसका नाम है यूसी ट्रेंड्स, UCTRENDS, ट्रेंड्स। कभी कभी मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूँ, काफी अच्छा है, इंटरफेस अच्छा है, तो आप भी उसको डाउनलोड कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मलिक बहिन ने पूछा है, मेरा व्हाट्सएप पे रिकॉर्डर चालू करने से टैपिंग चालू हो जाती है, अभी नहीं होती क्या? तो ऐसा ही समस्या आ जाता है जब आपका जो व्हाट्सएप है वो काफी टाइम से व्हाट्सएप उसमें पड़ा रहता है। आप क्या करिए, एक बार उसको इंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करिए, अगर ऐसे ना चले तो आप उसका मेमोरी जाके क्लियर करिए। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए और फिर वहां पर क्लियर कैचे करिए। और ऐसे भी ना चले तो इसका यही मतलब है कि आपके जो मोबाइल का है वो टच उस सेशन में खराब हो गया। कई बार आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल का एक पर्टिकुलर बटन नहीं दबती, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसी रीजन का टच खराब हो जाता है। तो हो सकता है जहां रिकॉर्डिंग का बटन हो वहां वाला रीजन का आपका टच खराब हो गया, आप जरा चेक करिए कि वहां का टच ही खराब है, कोई और कारण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शाह मोहम्मद ने पूछा है, YouTube पर लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं PS4 गेम के साथ? जैसे YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है कैरी मिनाटी लाइव, वो लाइव गेम खेलते हैं। तो उसके लिए बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको YouTube, जैसे YouTube से लाइव करते हैं तो कैमरा से आपका चेहरा दिखता है, पर ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है वो दिखाते हैं। तो आप उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से आप लाइव पे जा सकते हैं यूट्यूब पे, और फिर वही स्क्रीन में आपके जो है वो दिखाएगा, और उसका नाम है आरिस सॉफ्ट। तो आप उसका इस्तेमाल कर, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, पर मैं एक बात और बता दूं, लाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रो होना चाहिए, थोड़ा आपका चैनल ग्रो होना चाहिए, तो अगर है तो बहुत ही अच्छी बात, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सचिन पाल ने पूछा है, हम YouTube के गाने बाहर कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए मैंने एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी जिसका नाम है कीप विड, आप मोबाइल से भी कीप विड का इस्तेमाल करके उसको वापस से ला सकते हैं और फिर कंप्यूटर से भी ला सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो न्यू हरानी सॉन्ग ने पूछा है, फोन को रूट कैसे करते हैं? तो मैंने रूट के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाई थी, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं समझा पाऊंगा कि रूट कैसे करते हैं, रूट काफी अच्छा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, तो मैंने रूट के ऊपर वीडियो बनाई है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए हिंदुस्तानी हेल्पर फोन रूट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मोहम्मद फरान ने पूछा है, हाउ टू हैक COC विदाउट रूट? तो पहली बात तो मैं COC खेलता नहीं हूँ, थोड़ा खेलता था पहले, अब नहीं खेलता, और हैकिंग वैकिंग पे मुझे यकीन नहीं है, हालांकि ये नहीं कर रहा हूँ कि हैकिंग होती नहीं है, पर मुझे मन नहीं करता हैकिंग करने का। आप खुद अपनी मेहनत से खेलिए, जितना जितना उसमें आप ट्रूफ बना सकते हैं उतना बनाइए, जितना आप उसमें जेम्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने से करिए, उसी को गेम करते हैं। अगर आपको फ्री में मिल जाए तो उन लोग का कोई पैसा नहीं लग रहा है COC वालों को, उन लोग को तो बस कोड लिख देना है और आपके पास इतना आ जाएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, गेम मतलब कि थ्रिल एडवेंचर, आप खुद से जमा करिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एंड्रॉइड गेम्स हैक, एंड्रॉइड गेम्स हैक्स एंड मोर्स ने पूछा है, अपना जब चैनल स्टार्ट किया था तो कैसे चला आपका चैनल? तो मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2016 के अप्रैल में। जी हाँ दोस्तों, मतलब मेरा चैनल जो है वो 2014 के फरवरी में ही शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी उस टाइम, आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं काफी छोटा था। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे यूट्यूब ज्यादा पता नहीं था, मैंने बस वीडियो अपलोड कर दी थी। फिर उसके बाद करीब 2 साल बाद मैं यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव हुआ और मैं तब से कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, और शुरू में मेरा चैनल उतना नहीं चला था, करीब करीब 4 महीने लग गए थे मुझे 100 सब्सक्राइबर गेन करने में, तो कोई ज्यादा खास नहीं चला था। मेरा चैनल चला है 2016 के नवंबर से, जी हाँ दोस्तों, तब से मेरा चैनल चला। तो दोस्तों आज इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, इस बार मैंने थोड़े कम क्वेश्चन लिए थे क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा टॉपिक से हट जा रहे हैं, हालांकि मैं कहता हूं कि किसी भी टॉपिक से हो सकता है, पर जब आप अगर थैंक यू लिखेंगे तो मैं कैसे उसका क्वेश्चन का आंसर दूं, मतलब अच्छा लगता है जब आप थैंक यू लिखते हैं, मोस्ट वेलकम, यू आर हार्टली वेलकम। पर क्वेश्चंस पूछिए जितने हो सके, आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का क्यूरी है तो उसको जरूर से पूछिए और मैं आपको जरूर आंसर दूंगा, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने आज आपको सारे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिए होंगे, और मैं बार फिर याद दिला दूं, अगर आप भी क्वेश्चन अपना शामिल करना चाहते हैं Q&A में तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में जरूर से लिखिए अपना क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, और जाते जाते याद दिला दूं, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से नीचे दिए गए लाल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, ध्यान दिया दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के जो बगल में घंटी का निशान होता है जिसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन बेल, तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। अब क्यों करते हैं प्रेस, मैं आपको इसी लगे बता देता हूं, क्योंकि जब उसको आप प्रेस करते हैं
तो मेरी जो नई नई वीडियो आएगी उससे आप अपडेटेड रहेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप नोटिफाइड हो जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ और जानना है बताना हो तो जरूर से कमेंट करिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।